बहराइच से सबसे बड़ी खबर, चोरी की एफआईआर लिखाने के लिए एक सराफा कारोबारी 1 तारीख से काट रहा कोतवाली नगर का चक्कर। दुकान में काम करने वाला एक युवक लगातार कर रहा था सराफा की दुकान से सोने की सामान पर हाथ साफ। शक होने पर दुकान में सराफा व्यवसायी ने लगवाया सीसीटीवी, जिसमें कैद हुई आरोपी की दुकान में करते हुए सोने के सामान की लाइव चोरी। पलक झपकते ही मुंह में डाल लेता था सोने का सामान। दुकान में जब घटने लगा सोने का सामान, तो चोर को पकड़ने के लिए सराफा कारोबारी ने सीसीटीवी का किया इंतजाम। कारोबारी नगर पीड़ित ने बीते 1 मार्च को दी एफआईआर के लिए नामजद तहरीर। पीड़ित ने कोतवाली नगर की पुलिस पर लगाया सुनवाई करने का बजाय भगाने का आरोप। पीड़ित सराफा व्यवसायी एफआईआर लिखवाने के लिए लगातार दौड़ रहा। सीसीटीवी में साफ कैद हुई चोरी की लाइव करतूत। कोतवाली नगर क्षेत्र के बशीरगंज का मामला प्रकाश में आया है। भैया आपका सर अमित सोनिया, शुभ नाम है सर। हमारे यहाँ 28 तारीख को एक स्टाफ काम करता, चोरी काम सीख रहा था, तो उसको हमने सोना चोरी करते हुए पकड़ा सर। सर 1.5 साल से लमसम हमारे यहाँ सोना घट रहा था, तो हमने उससे पूछताछ की, तो उसने कहा हम नहीं ले रहे, तो हमको शक हुआ सर। पुलिस वाले भी आए थे, तो उन्होंने सूचना दी कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाए ताकि सुरक्षित रहेंगे। तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगवाया सर, वही जनवरी में। तो वो सोना चुराता था, वो मुँह में रख के फरार हो जाता था। तो हमने उसको एक दिन देख लिया, तो उससे पूछताछ की, तो उसने थोड़ा दिया सर, बाकी वो नहीं दिया। उसके भाई से बात हुई, तो उसने कहा कि आपको हम सारा सोना दिला देंगे। तो हम 1 तारीख से एफआईआर के लिए दौड़ रहे हैं, एफआईआर नहीं लिखी जा रही। आज पुलिस सर, आज यहाँ पे वो लेकिन लगी हुई थी, सभा लगी हुई थी, और पुलिस साहब, पुलिस ने भगा दिया सर हमको। किस थाने का मामला है ये? नगर कोतवाली का सर। तो और ये चोरी कैसे करता था तुम्हारे यहाँ? चोरी सर ये काम करते करते थोड़ा सोना किनारे कर लेता था, उसके बाद उसको मुँह में रख के निकल जाता था। अब क्या चाहते हो तुम? सर हम चाहते हैं कि हमारी एफआईआर लिखी जाए और उससे उचित कार्रवाई की जाए। तो थाने पर शिकायत लेकर गए तहरीर? बशीरगंज चौकी पर पहले सूचना दिए, फिर नगर कोतवाली 1 तारीख को दिए सर। तब से दौड़ा रहे हैं, आजकल बता रहे हैं अभी तक कार्रवाई कोई नहीं हुई, मुकदमा भी तक दर्ज नहीं हुआ सर। आज भगा दिए, कहते आपका मुकदमा नहीं दर्ज होगा, आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको अंदर कर देंगे।